ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम वंस अगेन। तो गाइज, ये मैंने ऑर्डर किया है वॉशिंग मशीन हिल्टन कंपनी का। यहाँ पे देख सकते हो हिल्टन कंपनी का वॉशिंग मशीन है, 3 kg का वॉशिंग मशीन है और ड्रायर है 1 kg। सब कुछ दिखाऊंगा आपके सामने। तो आज इसका पूरा अनबॉक्सिंग ये देख लो, अनबॉक्सिंग मतलब ऑलमोस्ट मैंने अनबॉक्सिंग यहाँ पे कर दिया है। सो अभी ये पूरा, अभी मशीन आई थी पहले। अमेज़ॉन की कोई भी चीज़ आए तो अच्छे से चेक कर लो, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, फिर बाद में कर ले। अभी इसका ना पूरा आज डेमो दिखाऊंगा, लाइव वॉशिंग कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन कि मशीन का ओवरऑल लुक एंड फील कैसा है। देख सकते हो यहाँ पे स्पिन टाइमर है, यहाँ पे वॉश टाइमर है और यहाँ पे स्पिन करके ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा किया तो आप स्पिन कर सकते हो। ये चालू हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑन है, लेकिन बंद कर देता हूँ। और विदाउट वाटर इसका मोटर मत घुमाओ, ख़राब हो सकता है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, ये ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। सो इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। अभी ये है पूरा ऐसा ओवरऑल लुक यहाँ से, और वायर की लेंथ इतनी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसका रेटिंग देख सकते हो अभी, और इस साइड से है ऐसा कुछ। अच्छी खासी बबल रैकिंग वगैरह पैकिंग में ये आया था, सारा मेरा सामान सारा इधर उधर है, तो अच्छी खासी बबल रैपिंग के इसमें आया था, तो मशीन को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सो ऐसा है भाई साहब। और इसके साथ गाइस देखो, ये एक पाइप आया है, सो इनलेट पाइप बोलते हैं इसको। इसको यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, एंड दूसरा एंड जो है आपके नल में निकलना है, यहाँ से पानी जाएगा। वैसे भी यहाँ से पानी आप डालोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली इस पर ही डालोगे तो भी चलेगा। और ये ड्रायर आता है और इसमें ये फिट करने का, इसको कैसे फ़िट करने का ये आगे वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे वीडियोज़ में ये कुछ नहीं बताया इसको फिट और निकलना कैसा है। मैं भी इसको हार्ड ऐसा खींच रहा था, तो ऐसा नहीं है, आगे बताऊंगा कैसा है, वीडियो में बने रहो, ठीक है। और ये देख सकते हैं अंदर का थोड़ा पानी है, मैंने एक साइकिल चलाया था, अच्छा खासा पूरा पूरा एक्सपीरियंस लेके आपके पास रिव्यू लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है यूज़ ना करके, नहीं, यूज़ करके प्रोडक्ट रिव्यू लेके आया हूँ। बैचलर के लिए बहुत परफेक्ट वॉशिंग मशीन है, सो आप ले सकते हो। तो चलो अभी इसका वॉशिंग देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। ओके, तो ये लाइव डेमो है गाइस, अभी दिखाऊंगा। अभी मैंने लगा दिया है, देखो यहाँ पे प्लग पूरा उधर लगा दिया है जो गीज़र का था ऑलरेडी, उस पर लगा दिया। और इसके नीचे थोड़ा सा स्टूल रख दिया है सो दैट थोड़ा ऊपर अच्छा रहे, वैसे यहाँ पे भी रखेगा तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मीडियम, यहाँ पे इस साइड में एक मीडियम एंड हाई है। अगर आपके पास कपड़े बहुत ही ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो उतना पानी भरिए, ज़्यादा पूरा इतना नहीं भरना है, यहाँ तक है हाई और मीडियम यहाँ तक है, सो उतना भरना है। और सॉफ्ट क्लोथ रहेंगे तो मीडियम भरो, जीन्स वगैरह रहे तो हाई पे डाल दो और टाइमर सेट करो। और सॉफ्ट क्लोथ के लिए मैं ये टाइमर का सेटिंग एक बार बता देता हूँ। ये जो है ये वॉश टाइमर, मतलब जो मशीन घूमती है उसके लिए वॉश टाइमर, और स्पिन टाइमर मतलब बकेट लगा के जो स्पिन लगा के है उसके लिए है। तो गाइस एक बात याद रखो, इसमें उल्टा नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, अदरवाइज ये जो टाइमर्स है ना वो ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये जनरली मिलते नहीं है सेम ब्रांड के, तो फिर कॉपी वाले मिलेंगे तो इशू होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से होने के बाद पानी मैं नीचे डाल दूँगा, अभी ये मैंने लगाया है देख सकते हो। और ये टाइमर जो है वो मैंने अभी 10 या 10:30 पे सेट किया था, 12 पे कर सकते हो सॉफ्ट क्लोथ के लिए, हार्ड क्लोथ के लिए 15 पे कर लो, मतलब 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो अभी 6 में आया है, ये 0 होने के बाद अपने आप मशीन बंद हो जाएगा, तो ऐसा है। पहले आप सेट कर लो, फिर यहाँ से बटन ऑन कर देना, फिर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। और इसमें क्लोथ मैंने डाले हैं 2 शर्ट 2 टी शर्ट्स एंड 2-3 टॉवल शर्ट से डाला है, 2 या 1। सो इतने कपड़े अभी सॉफ्ट क्लोथ है सभी, कोई जीन्स टाइप नहीं है। सो देख सकते हो मशीन अच्छी तरीके से प्रॉपरली पूरा वर्क हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छा है। 3590 के आसपास मुझे मिला है, तो नीचे लिंक दिया है, बेस्ट जो सेलर है उसका लिंक दिया है, वहाँ से परचेस कर लेना तो आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और ये मशीन लेना ही था, और बैचलर के लिए भाई सब एकदम सही मशीन है। सिर्फ ये है कि मैन्युअली आपको इसमें वॉश करना पड़ेगा, मैन्युअली पानी डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो है यहाँ से निकाल भी सकते हो, यहाँ से पानी डाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली, मैं तो डायरेक्टली लगाया,
और यहाँ से डाल सकते हो। और आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर सर्फ एक्सेल या एरियल का जो लिक्विड आता है ना वो यूज़ करो, क्योंकि मशीन ज़्यादा टाइम चलेगी, क्योंकि पाउडर में जो है वो नीचे जा सकता है, मोटर में वैसे जाएगा नहीं पानी में मिक्स होने के बाद, लेकिन लिक्विड वाला ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं। जो सर्फ एक्सेल मैटिक है वो वाला यूज़ करो टॉप लोड के लिए, ठीक है। और क्या बताना था, बस यही है सब कुछ। यहाँ से पकड़ने के लिए है वो बता दिए, यहाँ से भी है सेम एज वॉशर का जो है, सेम एज टाइमर का भी है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है गाइस, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं घुमाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो वायर की थोड़ा एक मुझे लगा कि वायर का लेंथ कम है, लेकिन ठीक है, एक्सटेंशन वगैरह लगे के वो एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी तो एकदम बढ़िया सी मशीन है, जाके ले लो भाई, बैचलर लोग तो खुश हो जाएंगे, मैं खुश हो गया हूँ 3500 में। भाई साहब धोने का मेरा चिंता चला गया, मतलब टेंशन चला गया मेरा धोने का 3500 में। बढ़िया मशीन है, और मैंने देखा है कि कई कई लोकेशन पे इसकी मतलब डिलीवरी नहीं है अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन पे ही मिलती है मशीन। हिल्टन की DMR की है, वो भी सेम ही है, थोड़ा महंगा है, 5000 के आसपास है वो, ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन इसकी डिलीवरी कई कई लोकेशन पे है, महाराष्ट्र में की बात कर रहा हूँ, बाकी के स्टेट के लिए भी हो सकता है, तो है ऐसा। तो बढ़िया सी चल रही है यार, अभी तो कोई टेंशन दिक्कत वाली चीज़ नहीं लग रही है। तो चलिए फिर आपको दिखाता हूँ ड्रायर का प्रोसीजर, ड्रायर को कैसे फिट करना है एंड कैसे निकालना है ये होने के बाद। ओके ऑल राइट गाइस, देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े निकाल दिए है, एंड यहाँ पे ये पूरा पैक करके, इसको पैक करो अदरवाइज ये फिर सॉकेट से निकल जाएगा। तो ड्रायर को कैसे निकालना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको अगर ऐसे करोगे, ऐसे इस तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो सॉकेट में चला जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाओगे और ऊपर करोगे तो निकल जाएगा। सो आपको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ देना, फिर ये फिट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि नहीं बता रहे, तो मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टार्टिंग में जब मशीन आई थी मैंने ऐसा खींचने की कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसका सिंपल मैकेनिज़म है, क्लॉकवाइज जो है आपको सॉकेट में फिट करना है एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसके ऊपर खींचना है तो निकल जाएगा, और ये बैठ गया। और इसको फुल भरो, अदरवाइज़ ये चालू होने के टाइम पे ना उखड़ जा रहा है, मतलब सॉकेट से निकल जा रहा है बाहर। आपको दिखाता हूँ कैसे वो, और बहुत हिलता है, मतलब ड्रायर जो है ना यहाँ पे बहुत हिलता है। सो अगर आपको विदाउट ड्रायर मतलब ये कपड़े ज़्यादा, तो इसमें ये जो छोटी वाली बकेट है उसमें बैठेंगे नहीं, एंड सो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है फिट करने के लिए, एंड क्लॉकवाइज घुमाना है और ऊपर खींचना है टू रिमूव दिस बकेट, वॉशिंग बकेट जो है, ड्राइंग बकेट सॉरी। तो ऐसा है कुछ मैकेनिज़म, एंड यहाँ पे ये क्लोज कर देते हैं। अभी मैंने बाथरूम से ये मशीन बाहर लेके आया हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक वाली, और ये जो है ये है मेरा एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन से ये कनेक्ट किया है बाथरूम में, पहले बाथरूम में आपको दिखाया। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 kg लिखा है और ड्रायर 1 kg, और इसके टाइमिंग्स देख लो, 6 liter पानी चाहिए सॉफ्ट नॉर्मल क्लोथ के लिए, और 10 liter चाहिए डर्टी, और 15 मिनट्स का आपको साइकिल लगाना पड़ेगा। और मैन्युअली होने के बाद ये पाइप जो है इधर का ये वाला, ये नीचे छोड़ दो, सारा पानी नीचे गिर जाएगा। सो ये ड्राइंग के लिए तो उतना एफिशिएंट नहीं, लेकिन वॉशिंग के लिए मुझे लगता है कि मस्ट, आप इसको मस्ट हैव डिवाइस है और यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी इस बुकलेट में है कुछ सारे कुछ इन्फॉर्मेशन, आप चाहे तो मैं एक एक पेज आपको दिखा देता हूँ, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन कर लेते वीडियो, सो दैट आपको कहीं मतलब दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो ये तो पेज मैंने दिखाया आपको, 1 second, एक हाथ से कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लो। ये देख सकते हो फर्स्ट पेज, ये है सेकंड पेज, और ये है थर्ड पेज। वारंटी भी है, शायद 1 साल की वारंटी है, और ये रहा लास्ट पेज। वेस्ट दिल्ली का शायद ये कंपनी है हिल्टन, देख सकते हो ऐसा है पूरा, अभी आपको दिखाऊंगा। और ये जो पाइप आता है इसके साथ, ये वाला ये नल को लगाने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको खोल के डायरेक्ट इसमें पानी डाल सकते हैं। ये जो है
यहाँ पे लगाने का, ये जो इस साइड से नल को लगाने का, और ये वाला जो है ये यहाँ पे लगाने का, ऐसे ऐसे इसको लगाने का, और ये जो है ये नीचे वाला, ये आपके नल को लगा पानी वैसे डालो वैसे डालो, सेम ही, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बाय द वे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, आपको ज़रूरत है तो ऐसा है। और ये रहा वायर का लेंथ, थोड़ा वायर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, अभी देख सकते हो इस साइड से ऐसा है, पूरा यूज़ किया मैंने एक बार और दिखा दिया। और ये देखो पीछे ऐसा है, इसमें वायर पूरा फिट होता है, और इधर प्लग दिया है, ये जो पिन है ये पिन इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ठाक है, ड्राइंग उतना एफिशिएंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, अभी बैचलर लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा मशीन है। और ये अभी वॉश होने के बाद थोड़ा सा इधर से गर्म हो गया है, इधर शायद मोटर है तो गर्म हो रहा है, तो है ऐसा कुछ। अभी स्टार्ट करके दिखा दूँ ड्राइंग इसका है कैसे, ये आप खोल के भी देख सकते हैं कि ड्राइंग कैसे चल रहा है, लेकिन बंद करके रखो, एक बार कुछ हो जाए तो सेफ साइड बंद करके रखो। और इसको एंटी क्लॉक वाइज उल्टा नहीं घुमाना है, ये टाइमर अगर ख़राब हो गए तो ये कहाँ पे मिलेंगे नहीं, सो क्लॉक वाइज ही इसको घुमाओ, यही इसमें दिक्कत है, बाकी कोई ऐसी मेजर परेशानी कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई रहेंगी तो भाई डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में पूछो, मैं हेल्प कर दूंगा, चाहे तो अलग सा वीडियो इस पे बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस पूछो। इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, ज़्यादा फास्ट विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे भी मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट वहाँ पे भी डालता हूँ, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो, बेस्ट परचेस लिंक्स वहाँ पे देता हूँ, फ्लिपकार्ट वगैरह सेल में, तो ये शायद से बिग बिलियन नहीं है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 2999 की थी, और 500 रुपये अभी मुझे महंगा पड़ा, उस टाइम पे मैंने लिया तो 3000 का ही पड़ रहा था, अभी मैंने देर कर दिया तो मुझे 3500 का है, ये 3590 का। और इसके जो ये है रेटिंग्स वगैरह, मेगाहर्ट्ज़ 90 वाट्स की ये मशीन है, देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, पढ़ लो अच्छी तरीके से। 3 kg एंड 1 kg का ड्रायर, ठीक है। रेटेड वोल्टेज है 220 hertz, 250 hertz, एंड रेटेड पावर है 190 वैट, ठीक है। नंबर भी लिखा है इन लोगों ने, हेल्प का और ईमेल आईडी भी है, सो कुछ तकलीफ वगैरह आए तो आप उनको कॉल या मेल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अभी इसका जो है ड्राइंग आपको दिखाता हूँ कितना हिलता है, इसको ऐसा पकड़ के रखना पड़ता है, तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी लेकिन ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा इस साइड से गर्म होता है, ठीक है। अभी इसको चालू करते हैं, बटन चालू करता हूँ मैं, मतलब इसको टाइमर को चालू करता हूँ। अभी जो टाइमर मैंने एक मिनट का ही लगाया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कैसा है कैसा नहीं है। फुल बकेट जो है वो फुल भरो, अदरवाइज़ ये देखो ऐसा हिलता है ये बहुत ज़ोरों से, और बकेट फुल होनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो सॉकेट से निकल जाएगा, देख सकते हो ऐसा हिलता है। अगर ऐसे पकड़ के रखोगे तो नहीं हिलेगा, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत ही भाई, मतलब बारिश चल रही है बाहर, आप कपड़ा ये नहीं सुखा नहीं सकते, तो इन दैट केस आप ड्रायर यूज़ करो, अदरवाइज़ ड्रायर, आप विदाउट ड्रायर भी मशीन लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ कर सकते हो, वॉशिंग के लिए बढ़िया मशीन है, वॉशिंग अच्छी तरीके से हो, कपड़े बहुत सारे क्लीन हो चुके हैं, मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ कैसे क्लीन हुए हैं, कपड़े बहुत गंदे थे और अभी क्लीन है, बैचलर लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी फैमिली है तो ये बड़ा वाला वॉशिंग मशीन जो मेरा है, ये देख सकते हो सैमसंग का, इसका अगर रिव्यू चाहिए तो मैं दे दूँगा, 6.5 kg का है, 5 जन के फैमिली के लिए सफिशेंट है, 6.5 kg का, ऑटोमेटिक है फुल्ली, तो देख सकते हो। ये मैंने पर्टिकुलरली मतलब बैचलर, मतलब सो ऐसा है बैचलर के लिए परफेक्ट है ये मशीन। अभी देख सकते हो ये टाइमर बस घूमता है और ज़ीरो पे जाके रुक जाता है, ठीक है, बाकी कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी ठीक है, देख लिया, 1 मिनट का लगाया था, ज़ीरो गया फिर रुक गया, सो अभी ये निकालता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज फिट, क्लॉकवाइज ऐसा करके निकल गया, बहुत इजी है मैकेनिज्म, देख सकते हो आप निकल गया है। अभी कपड़े देखता हूँ कैसे सूखे हैं, नहीं इसको निकलता हूँ, और अंदर से देखो मैंने पानी छोड़ा नहीं है, ये पाइप अभी बाथरूम में जाके छोड़ूंगा, तो इस तरह ऐसा जम गया है, ठीक है। आप इसको वॉश कैसे करना है, नॉर्मल क्लोथ रहेंगे ना तो आप एक बार
पाउडर और पानी या फिर लिक्विड, मैं रिकमेंड करूँगा लिक्विड डाल के एक साइकिल घुमाओ, फिर उसके बाद दो, सिंपली दो साइकिल पानी डाल के घुमाओ, फिर क्लोथ क्लीन हो जाएगा। मैंने तीन साइकिल ही मैं करता हूँ जनरली, एक पाउडर डाल के या लिक्विड डाल के, फिर दो साइकिल का वाटर, उसमें मैक्स टू मैक्स क्लीन हो जाता है। अगर चाहिए तो आप चौथी भी लगा सकते हो, लेकिन ठीक है दो इज़ सफिशिएंट, दो तो करना ही है आपको, ठीक है। और अभी कपड़े दिखाता हूँ, ये निकालता हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूँ तो नहीं निकल रहा है, पहले निकाल लेता हूँ फिर आपको कपड़े दिखाता हूँ कैसे निकले हैं। देख सकते हो गाइस, ये मेरा टी शर्ट है, सॉरी ये मेरा टी शर्ट है, मछली रखा मैंने, आप मत रखिएगा, पानी भी नहीं गिर सकता है, और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से स्पिन हो चुका है। और देख सकते हो, मैं ऐसा ये करके भी दिखाऊंगा, ये देखो प्रेस कर रहा हूँ और पानी हाथ को ना के बराबर है, मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा है इसमें, लेकिन वॉश बहुत अच्छे हुए हैं कपड़े, देख सकते हो बहुत ही गंदे थे ये, पूरा वाइट है, वॉश अच्छी तरीके से हो गया, देख सकते हो। तो ऐसा है, इसमें बहुत सारे कपड़े मैंने डाले थे, दो टी शर्ट, एक हाफ पैंट था, और ये सारे कपड़े हैं। तो ऐसा है गाइस पूरा ये मशीन, आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा, और देखो इस साइड से थोड़ा गर्म हो चुका है, मतलब बहुत साइकिल मैंने घुमा दिया स्पिन के लिए, तो है ऐसा। तो ये देख सकते हो ऐसा कुछ है पूरा ओवरऑल मशीन, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वॉशिंग मशीन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस ऐसे ही नहीं कि अनबॉक्सिंग में, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।